मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम जिस तरीके आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे आपको दिखाता है सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की सनातन ध्वजवाही का सपना गोयल जी के द्वारा नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। वैसे ही उनकी एक मुहिम है 5000 महिलाओं को लेकर के लखनऊ की धरती पे भव्य आयोजन करना सुंदरकांड के पाठ के साथ में, यानी कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने का उनका एक प्रण है। और जिस तरह से वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही है, विश्व रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो विश्व रिकॉर्ड के लिए उनसे बात करेंगे और आज की संगोष्ठी के बारे में वो क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ठाना है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाना है और साथ में 5000 महिलाओं के साथ में 2024 10 मार्च को एक भव्य आयोजन होगा और विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो आइए चलते सनातन ध्वजवाही का जी से बात करते हैं कि आज की संगोष्ठी के बारे में क्या कहेंगी और कहाँ कहाँ से महिलाएं आ रही है 5000 सुंदरकांड की मुहिम में। तो हमारे साथ में सनातन ध्वजवाही का है तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो मासिक बैठक रखी गई है तो उसके बारे में क्या कहेंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना हंगामा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन नारी शक्ति सुंदर कांड मुहिम का आज 7वीं संगोष्ठी है जिसमें हमारी सभी शक्तिपीठ बहनें आज आई हैं और हमारा जो झूले लाल पार्क में 10 मार्च को कार्यक्रम होगा सुंदर कांड मुहिम का, जो जिसमें सुंदरकांड करेंगी 5000 महिलाएं, तो उसका सबने अपना अपना कार्यभार संभाला है। और साथ ही हम कुछ संस्कृत महाविद्यालयों के बच्चों को बुलाकर जो भी उनका जरूरत का सामान है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम आगे जैसे कि आपने बताया कि 10 मार्च 2024 को झूलेलाल वाटिका में 5000 महिलाएं उपस्थित होंगी, सुंदरकांड का भव्य पाठ होगा, तो उत्तर प्रदेश से कहां कहां से महिलाएं आएंगी उसमें? उत्तर प्रदेश से कई जिलों से महिलाएं आ रही हैं, जैसे कि हमारा लखीमपुर है, लखीमपुर से काफ़ी महिलाएं आ रही हैं और बनारस से भी आएंगी और आपका ये जो है मुरादाबाद से भी आएंगी, मुरादाबाद जिले से, और ये रायबरेली से भी कई महिलाएं आएंगी। हमारा 10 जिलों में सुंदरकांड शुरू हो चुका है, कुछ आगरा से भी आएंगी, हरदोई से भी आएंगी और कुछ अयोध्या जी से भी आएंगी। तो हमारा 10 जिलों में शुरू हो चुका है और 5 राज्यों में शुरू हो चुका है सत्य सनातन नारी शक्ति की तरफ से सुंदरकांड, ताकि हर हिंदू अपने निकटतम मंदिर से जुड़े और हर मंगलवार को सुंदरकांड करे। कुछ लोग मैम जैसे कि धर्म को एक रास्ता बनाते हैं राजनीति तक पहुंचने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी राजनीति धर्म में नहीं घुसना चाहिए, हमेशा धर्म के पथ पर चलकर ही राजनीति के निर्णय लेना चाहिए। हमेशा हमेशा हमें राम जी की, प्रभु जी की शरण में होना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने मानवता का कल्याण करा और मानवता को एक पावन संदेश दिया कि हम मानव हैं तो हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करें और किस तरीके से हमारे क्या कर्म होने चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और सत्यचित्त मार्ग पर चलना चाहिए क्योंकि हम ईश्वर की संतान सपना जी का जो इन्होंने एक नई चीज़ सोची थी, एक महिला होने पर भी उन्होंने इतना अच्छा चीज़ सोचा कि सुंदरकांड हर स्थानीय मंदिर में शुरू हो जाए, और उन्होंने इनकी जो कोशिश थी वो इतनी अच्छी थी कि आज आप देख रहे हैं पूरा हॉल भरा हुआ है और हर महिलाएं अपने अपने स्थानीय मंदिरों पर शुरू कर दिया है उन्होंने सुंदरकांड करना। आपको मैम बनारस को और लखनऊ की दोनों जिम्मेदारी दी गई है, तो कितनी महिलाओं को लेकर के आए? देखिए, कोई कितनी भी महिलाएं लेकर आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस ये है कि हमारा जो 5000 महिलाओं का संकल्प है वो पूरा हो और बनारस हो और बहुत बरेली का और बहुत सारी जगहों पे और भी शुरू करा जा रहा है कि 10 मार्च से पहले बहुत कुछ हो जाए, मतलब और भी बड़ा अच्छा हो उस पर। हम भारतीय नारी हैं, इसको जताते हुए बताते हुए आध्यात्मिक पहचान को हर आत्मा के दिमाग में भरना है कि हम सत्य सनातन नारी शक्ति हैं और अपने सनातन को लेके हर हाल में चलती है। धरती
गुवाहाटी में 5,000 महिलाओं के साथ भव्य आयोजन होने जा रहा है 2024 10 मार्च को सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी के द्वारा, जहां पे सैकड़ों की तादाद में आज जो है भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में महिलाएं उपस्थित हुई है। तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो हमारे साथ में इंदिरा उपाध्याय जी हैं जो लालबाग शक्ति पीठ के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई है, तो उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। तो मैम आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी की आपका, और ये सपना जी का जो सपना है उसे हम लोगों को पूरा करना है और उस सनातन धर्म की मुहिम को आगे बढ़ा रही है। 5,000 महिलाओं द्वारा जो सुंदर कांड होना है उसमें हम लोग पूरी तरह से जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, अधिक से अधिक महिलाएं जुड़ रही हैं और वो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है और हम लोग उसी मुहिम में साथ चल रहे हैं। हर घर में सुंदर कांड होना चाहिए, हर मंदिर में सुंदर कांड होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ, उर्मिला अग्रवाल हूँ मैं, ये कहना चाह रही हूँ कि सारी जो महिलाएं हैं उनमें एक नारी शक्ति पैदा हो रही है जो कि मतलब इसके साथ जुड़ी हुई है, इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई है। वो अपनी शक्ति को पहचान रही है धीरे धीरे, जो कि अभी तक नहीं पहचान पा रही थी, वो घर से बाहर निकल रही हैं। और हम जो है जो ये 5,000 महिलाओं की जो मुहिम है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? ये मुहिम इनकी जो सपना जी की मुहिम लेके चल रही है ये बहुत अच्छा कारगर है उनका ये मुहिम, और चाहते हैं कि जो इनकी इच्छा है जो चाह रहा नहीं है सारे सब महिलाएं उनके साथ खड़ी हो, इनके साथ कंधे कंधे से मिला के चले और इनकी पूरी तैयारी जैसे चल रही है अच्छे से चले और सब सब पूर्ण होगा इनका अच्छे से। आप क्या कहना चाहिए? सपना जी जो कार्यक्रम कर रही हैं आध्यात्मिक जागरण का, सत्य सनातन धर्म का, इससे महिलाओं में एक नई चेतना आ रही है और उनके करने का जो ढंग है जो तरीका है वो महिलाओं को खींच के ला रहा है, एक सामूहिक चेतना पैदा कर रहा है समाज में। और मैं समझती हूँ कि इससे समाज में पुनर्जागरण जो आध्यात्मिक चेतना हम लोगों में ऑलरेडी पहले से है, घर में अकेले पूजा पाठ करते हैं कर्मकांड तक सीमित रहते हैं, अब हम लोग सामाजिक बनेंगे और महिलाओं में एक नई चेतना का संचार होगा, हम एक नए समाज को और देश के गठन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। तो शशि जी आप धर्म की, तो शशि जी आप क्या कहना चाहिए? मैं अर्चना जी यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, क्योंकि हम सभी सनातनी है और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को लगातार इस मुहिम में आगे बढ़कर काम करना है और इसको और ऊपर उठाना है। सपना जी का जो सपना है अपने लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने का वो जरूर सच होगा और हम सब उसमें अपनी भागीदारी जरूर अंकित करेंगे। पार्वती जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज की संगोष्ठी के बारे में कहेंगे, आज तो बहुत 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 भक्तिमय वातावरण हो गया, बिल्कुल राममय, और दूसरी संगोष्ठी तो ये हमेशा से ही अच्छी रहती है और लग रहा है कि ये मुहिम जिस प्रकार से शुरुआत में 35 महिलाओं शुरू हुई थी अब आज वो हजारों की संख्या में पहुंचकर निरंतर गति पकड़ रही है। तो आज हम लोग आए थे सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की संगोष्ठी में, जहां पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित थी, जहां पे महिलाओं ने ठाना है कि वो विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और 5,000 महिलाओं के साथ में सुंदरकांड का भव्य आयोजन होगा। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे सत्य सनातन नारी शक्ति द्वारा क्या क्या चीजें हो रही है। इसी साथ में अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।